2019-20 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को दी गई प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुए घोटाले की अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने इसे 99.99 करोड़ रुपए का घोटाला माना है। प्रशासन ने 96 स्कूलों के अलावा 9 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच में जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे के खिलाफ प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई की जांच की मांग राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। तो ये अमाउंट कितना किसको दिया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी जो यहाँ इस कार्यालय को नहीं प्राप्त है। एनएसवी पोर्टल पर जो है ना, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, जो नोडल ऑफिसर होते हैं, इसे पासवर्ड और यूजर आई डी देते हैं। इसमें कि जैसे हम लोग ई कल्याण में जो है वो केवल गवर्नमेंट या स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूल को देते हैं, और ये वित्तीय वर्ष 19-20 से जो है और डिसेंट्रलाइज करके पहले स्टेट करते थे तो हम लोगों को दिया गया। तो इसमें हम लोगों को ये डायरेक्शन था जो विभाग से मिला हुआ था कि जो प्राइवेट संस्थान है, तो प्राइवेट संस्थान का तो कोई इंफॉर्मेशन इस कार्यालय को जो है नहीं, तो यू डाइस कोड जो होता है जो उन लोगों को शिक्षा विभाग के से मिलता है, तो उसी के आधार पर जो है KYC का फॉर्म लाते थे। आधार कार्ड जो प्रिंसिपल होते थे वो अपना कागजा लेके आते थे, या उनके द्वारा कोई प्राधिकृत जो एज ए नोडल ऑफिसर काम करेंगे अप्लाई करने के, तो उसी आधार पर हम लोगों ने पिछले बार दिया। क्योंकि समय कम था, अक्टूबर माह में हमको डायरेक्शन मिला हुआ था और 15 नवंबर लास्ट डेट था, तो हम लोग जो है इन लोगों को पासवर्ड और यूजर आईडी दिए थे। तो अभी जो अखबार के माध्यम से अभी 5 विद्यालय का इस तरह का मामला आया हुआ है, जिसकी जाँच हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए हुए हैं। और इस वर्ष जो है जब पोर्टल खुला तो पहले से ही जो है हम सभी विद्यालय का जो शिक्षक यहाँ पासवर्ड या यूजर आईडी लेने के लिए आ रहे हैं, उनका हम संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जांच करा करके ही जो है हम लोगों को इसमें के भी 52 विद्यालय को दिए हैं। जांच के दौरान झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव इरफान खान का भी नाम सामने आया है। इरफान मुख्य साजिशकर्ता सादिक खान उर्फ शाहिद से लंबे समय से संपर्क में थे। जांच में कई स्कूलों के नाम पर भी भुगतान कर दिया गया जिनका यूडाइस कोड नहीं था। जिले के 486 स्कूलों के 13.605 छात्रों को वर्ष 2019-20 के दौरान ये छात्रवृत्ति दी गई थी, जिसमें से 99.99 करोड़ रुपए की राशि को गलत पाई गई है। ये छात्रवृत्ति घोटाले में करीब 11.55 करोड़ की राशि धनबाद जिले में ट्रांसफर की गई है कथित लाभुकों के खाते में, जिसमें अनुमानतः 9.99 करोड़ फर्जी लोगों के खातों में गया है। इसमें 3 मूलतः तरीकों से जो हमारी जांच कमेटी है उन्होंने पाया कि मूलतः 3 तरीकों से फर्जीवाड़ा किया गया है। कुछ जगहों पे बिचौलियों ने प्राचार्यों से सीधा संपर्क कर उनके यूजर आईडी और पासवर्ड को अपने मोबाइल पर ले लिया और उन्हें प्रलोभन दिया या कुछ राशि उन्हें दी। जनरली 1,000 रुपये प्रत्येक प्रिंसिपल को दिया जा रहा था और इस ढंग से यूजर आईडी और पासवर्ड अपने पास लेकर के फर्जी स्टूडेंट की लॉगिन कर उनके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया गया है। दूसरे स्तर पे दूसरा तरीका ये था कि उनका एप्लीकेशन भी नहीं आया है, उनका फर्जी फॉर्म बनाकर कहीं जगहों पे तो हस्ताक्षर तक नहीं है, तब भी यहाँ कार्यालय स्तर पर उसे अप्रूव कर पासवर्ड जनरेट किया गया जो कि उनके जो वास्तविक विद्यालय के प्राचार्यों तक पहुँचा ही नहीं। तीसरा कैटेगरी ये है कि जिसमें ये बैंक अकाउंट के साथ ही छेड़छाड़ का भी मामला समझ में आता है, क्योंकि आधार सीडिंग उन बैंक अकाउंट की नहीं थी, तो हो सकता है जो संभावना पूरी तरह से बन रही है कि ये बैंक अकाउंट ही या तो डेड बैंक अकाउंट हैं या फिर ऐसे लोगों के हैं जो कि जिले के या राज्य के हैं ही नहीं। इनमें जो कार्यवाही की जो बात है तो अभी तत्काल 96 विद्यालय जिनकी संलिप्तता सामने आई है उन पर तत्काल FIR किए जा रहे हैं, और 10 ऐसे लोग जो हमारे या कार्यालय के कर्मी हैं या बिचौलिए हैं उन पे भी अभी तत्काल FIR किया जा रहा है। इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी की भूमिका कितनी संदिग्ध लग रही है? जिला कल्याण पदाधिकारी की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। उन्हें ये जितने जिला स्तर पे जो अप्रूवल होता था वो OTP उनके फ़ोन पे आता था, ये उनका दायित्व बनता है, उनको 3-3 बार ट्रेनिंग दी गई, उनका दायित्व बनता है कि इसे वेरीफाई करें। अगर एकाध मामले ऐसे होते जिन्हें वेरीफाई करना छोड़ जाता तो समझ में आता। जहाँ पे पिछले साल सिर्फ 2,000 बच्चों को दिया गया हो और एकाएक 13,500 बच्चों को एकाएक छात्रवृत्ति दी गई हो और इसको भी एक बार भी चेक नहीं करना, ये अपने आप में घोर लापरवाही या संलिप्तता को दर्शाता है।
वहीं इस मामले में संत जेवियर मिशन स्कूल बरवा अड्डा की ओर से कल्याण विभाग को आईडी पासवर्ड के लिए आवेदन दिया गया था। उसमें यू डायस कोड की जानकारी दी गई थी। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल घनश्याम साफ का कहना है कि उनके स्कूल के नाम पर कई तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज कराया है। केंद्र सरकार का एक पोर्टल है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पोर्टल पे जितने लोग डायस भरते हैं उनका एक ID है, और इस ID में जो पासवर्ड आता है छात्रवृत्ति के लिए, वह जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से मिलता है। उसमें एप्लीकेशन देना होता है और KYC करना होता है। KYC के बाद जो हमारा नंबर उसमें जाता है, उस नंबर पे OTP आता है और पासवर्ड आता है, जिससे हम लोग लॉगिन करते हैं और स्टूडेंट का वेरीफाई करते हैं। हमने 14 सितंबर को अपने स्कूल के 6 बच्चे के लिए अपना एप्लीकेशन कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में दिया। 16 सितंबर को हमारा ID और पासवर्ड जनरेट होकर मेरे मोबाइल पे आया। इसके कुछ दिनों बाद हमारा मोबाइल नंबर को चेंज कर दिया जाता है और हमारा पासवर्ड और ID उस नए मोबाइल नंबर पे जाता है, और इसके तहत हमारे ID पे 341 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है जो हमारे स्कूल से संबंधित नहीं है, और उनका वेरिफिकेशन भी कर दिया जाता है। और इस तरह करके हमारे सारे बच्चों को जो अपने हैं उनको तो मैं एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास तो ID पासवर्ड ही नहीं कि मैं उनको वेरीफाई करूं। और ये फेक जो है 341 बच्चे का वेरिफिकेशन भी कर दिया जाता है। नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सारी गलती विभागीय है, और कल्याण पदाधिकारी इंजीनियर मिशन स्कूल का प्रिंसिपल सह प्रबंध निर्देशक हूँ। अभी करते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पे जो कानून नियम संगत है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक आगे की प्रक्रिया क्या है ये हम लोग देख रहे हैं, और इसमें हमारे एसोसिएशन के लोगों के साथ जांच भी कर रहे हैं कि और कितने स्कूल के साथ ऐसा किया गया है। वही ADM की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने कल्याण विभाग के लिपिक और बिलिंग क्लर्क विनोद पासवान को बर्खास्त करने और विभाग के अनुबंध कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर अजय कुमार मंडल की सेवा समाप्त करने की भी अनुशंसा की है। साथ ही राजनीतिक से जुड़े लोगों के खिलाफ भी जांच की अनुशंसा की है। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।